जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे, जैसे कि यह कॉलेज क्यों फेमस है पूरे झारखंड में, इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा, कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं इस कॉलेज में और कितना टोटल सीट अवेलेबल होता है, कितना एडमिशन फी लगता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन करवाते समय, क्या हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होती है, कितना CML रैंक लाने से इस कॉलेज में इजीली एडमिशन हो जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार रूप से आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सभी को अपने चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आने पर आप खुद ही कर देंगे। मित्रों, किसी भी तरह का डाउट या सजेशन होने पर आप बिल्कुल ही हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए पहले इस कॉलेज के हिस्ट्री को देख लेते हैं। यह कॉलेज बहुत ही पुराना कॉलेज है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1905 ईस्वी में हुआ है। यह धनबाद रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर के फासले में ही स्थित है, यानी कि आप यदि धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं तो वहां से यह 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही कॉलेज स्थित है। यह कॉलेज झारखंड का फेमस कॉलेज है, जिसे हर स्टूडेंट पसंद करते हैं और हर स्टूडेंट का सपना होता है कि इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और वहां से वो अपना फर्दर डिप्लोमा कोर्स करे। इसमें पढ़ाई भी अच्छी होती है और डेली क्लासेस होती है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जाए और कैसे मिलता है इस कॉलेज में एडमिशन, इसके बारे में। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको दोस्तों पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, और जैसे कि आपको पता है पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम देने के लिए आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए, तभी जाके आप पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आपका इस पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में अच्छा रैंक आता है तो आपको यह कॉलेज इजीली मिल जाता है। बात करें यदि एडमिशन के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, एडमिशन करवाते समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे 10th का एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। यह एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप अपने नज़दीकी कोर्ट से बना सकते हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट 6वां है, कास्ट सर्टिफिकेट 7वां है, इनकम सर्टिफिकेट, फिर है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगते हैं, और साथ ही साथ आपको एक अलॉटमेंट लेटर लगता है जिसमें कि मेंशन होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। मेनली यही सारे सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा डिप्लोमा कोर्स इस कॉलेज में अवेलेबल होता है और कितना इसका सीट होता है। यहाँ पे दोस्तों बात करें इस कॉलेज में तो आपको 5 कोर्सेज यानी कि 5 ब्रांचेस मिलते हैं डिप्लोमा करने के लिए। सबसे पहला है आपका सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चौथा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और 5वां है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो आपको मेनली 5 ब्रांचेस आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। यदि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का टोटल सीट 60 है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी 60 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी सीट 60 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का भी सीट 60 है और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का भी 60 है। यानी कि टोटल इस कॉलेज का सीट का बात करें तो आपको 300 सीट देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन करवाते समय कितना फीस लगता है। तो जब आप एडमिशन करवाने के लिए इस कॉलेज में आते हैं तो आपको 1805 रुपया देना होता है, वो भी पूरे 1 साल के लिए। यह फी आपको ऑनलाइन SBI के पोर्टल में ही जमा करवाना होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्या हॉस्टल फैसिलिटी इन कॉलेजेस में अवेलेबल होती है। दोस्तों, आपको रहने और पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिसका फ़ी भी बहुत ही कम होता है, लगभग 1100 रुपया पर ईयर लगता है। यानी कि यदि हम लोग पर मंथ का बात करें तो लगभग 91 रुपया आपको पर मंथ देना होता है।
ये सभी होते फ़ायदे होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस बहुत ही कम लगता है और प्रेफरेंस भी हमें अधिक देखने को मिलता है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो है कितना CML रैंक लाया जाए ताकि इजीली एडमिशन हो जाए इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद कॉलेज में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि इस कॉलेज को स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी कारण है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छा रैंक लाना होता है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। यदि हम लोग CML रैंक का बात करें, यदि आप CML रैंक 1 से लेकर 300 के बीच में भी लाते हैं तो आपको एडमिशन इस कॉलेज में इजीली मिल जाएगा, वो भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और किसी भी तरह का डाउट या फिर सजेशन होने पर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।